दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं 10 मिनट में आपको बताएंगा कि किस तरह मशीन जो है कि स्लिप उन भी आती है और कैसे जाती है, कितना समय लेती है। देखिए आप डिस्प्ले में देख रहे हैं आप, तो देखिए सबसे पहले हम इरवा में जाएंगे कोने ऊपर, ठीक। उसके बाद सेटअप में नीचे जाएंगे सेटिंग के, उस पर क्लिक करने के बाद देखिए इसमें लिखा है ऑटो मेंटेनेंस, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। हम जूम करके जो है कि आप लोग को दिखा दे रहे हैं, देखिए जूम कर रहे हैं, लिखा हुआ है ऑटो मेंटेनेंस, ठीक ना। इस पर क्लिक कर दिए, देखिए आपका स्लिप मोड में मशीन कब जाती है, देखिए 120 मिनट लिखा हुआ है इसमें, लास्ट टाइम लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि 10 मिनट से लेकर 120 मिनट के बीच में आप सेट कर सकते हैं, तो ठीक ना। तो इस पर हम 200 लिख दे रहे हैं, मतलब 120 मिनट से अधिक लिख दे रहे हैं, 200 मिनट लिख दे रहे हैं कि आप सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए इसमें क्या लिख दिया, इनवैलिड पैरामीटर इंटायर्ड प्लीज इंटर अगेन लिख दिया ना, इसका मतलब ये हुआ कि भैया नहीं हो पाएगा, आप लिमिट करिए। तो इसको जो है 120 मिनट हम फिर लिख दे रहे हैं, ठीक ना, 120 बना दे रहे हैं, ताकि हमारा देखिए 60 मिनट का एक घंटा होता है, यानी कि 6 × 12 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का आप स्लिप मोड में मशीन जाएगी। देखिए सक्सेसफुल हो गया ना, तो ये जो है कि 2 घंटे का, मात्र 2 घंटे में आपका मशीन सैंपल नहीं पिलाएंगे तो मशीन जो है कि स्लिप मोड में चली जाती है। तो आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इसमें एक मशीन में और अच्छे अच्छे फंक्शन हैं, इस तरह के स्टार्ट टाइम है और बाकी सब रिलेटेड सब है, इसे छोड़िए। देखिए इसमें ऑल सेटिंग लिखा हुआ है, सब ए टू जेड, हर एक सेटिंग बारे में कुछ ना कुछ आपको बताएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब। और कमेंट करने से पहले आप लोग जो है किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है कि लैब टेक्नीशियन से संबंधित पूरी जानकारी आप लोग को हम इसमें देते हैं। और आप लोग को मशीन लेना है, ख़रीदना है और मशीन बेचना है तो भी इसमें कमेंट करिएगा, हम भिजवा भी देंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।